नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Pad Mini LTE versus Lenovo Tab M8 Lite का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Pad Mini LTE में 8.34 इंच जबकि M8 Lite में 7.84 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Pad Mini LTE से कम है। विड्थ की बात करें तो Pad Mini LTE में 4.9 इंच जबकि M8 Lite में 4.8 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Pad Mini LTE से कम है। बात करें थिकनेस की तो Pad Mini LTE में 0.3 इंच जबकि M8 Lite में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Pad Mini LTE से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Pad Mini LTE में 372 ग्राम जबकि M8 Lite में 305 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Pad Mini LTE में TFT LCD जबकि M8 Lite में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Pad Mini LTE में 8.7 इंचेस जबकि M8 Lite में 8.2 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Pad Mini LTE में 800x1340 और M8 Lite में 800x1280 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Pad Mini LTE में 81.7% जबकि M8 Lite में 76.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Pad Mini LTE में 179 पिक्सल प्रति इंच जबकि M8 Lite में 189 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Pad Mini LTE में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और M8 Lite की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Pad Mini LTE में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M8 Lite की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Pad Mini LTE में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और M8 Lite में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Pad Mini LTE में Mali G57 MP1 जबकि M8 Lite में Power GE8300 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Pad Mini LTE में Unisoft T616 और M8 Lite में MediaTek Helio मिलता है। बात करें RAM की तो Pad Mini LTE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की रैम मिलती है, जबकि M8 Lite में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Pad Mini LTE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M8 Lite में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Pad Mini LTE में अप टू 1TB जबकि M8 Lite में अप टू 64GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Pad Mini LTE में Android V11 जबकि M8 Lite में Android V9.05 देखने को मिलती है। बैटरी Pad Mini LTE में 6400 mAh जबकि M8 Lite में 5100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Pad Mini LTE में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ
14,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें M8 Ultra की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 11,180 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Pad Mini LTE में 5 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Lenovo Tab M8 Ultra की तो उसमें 4 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Lenovo Tab M7 थर्ड जेन है, दूसरा Moto Tab G20 है, तीसरा Moto Tab G70 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Realme Pad Ultra है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।